Hey, what is up, guys? हम सब लोग जानते हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया मंदी के चक्रव्यूह में धीरे धीरे करके धसती जा रही है। इवन हमारे इंडिया की हालत तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले कई गुना बेहतर है, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज का ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम रुक जाएगा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कंट्रीज के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह सिर्फ उस कंट्री के इकोनॉमी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं और पूरे वर्ल्ड के रिसेशन के लिए अभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पीरे ऑलिवर गोरिचा ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी सबसे बुरा होना बाकी है। कई सारे लोगों के लिए 2023 का साल मंदी की तरह महसूस होने वाला है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया की तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, EU कंट्रीज और चाइना, ये तीनों इकोनॉमी धीरे धीरे करके मंदी की चपेट में जा रही है, जिसमें अकेले अमेरिका में ही पिछले 40 सालों की सबसे उच्चतर स्तर की महंगाई और लोगों की बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। और ऐसी सेम सिचुएशन बाकी कंट्रीज की भी है, क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन लोगों के नजरिए से इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड है, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन लगने की वजह से सभी कंट्रीज के इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और 2023 तक तो ग्लोबल ग्रोथ भी घटकर 2.7% हो जाएगा। इसके लिए इसके सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी हो चुका है, वरना फिर पूरी दुनिया के लोगों को अब तक के सबसे बड़े रिसेशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ TH, गुड बाय।